हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड गाइस, ये नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब है। इन फाइनेंशियल प्लानिंग एन एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स इन एडवांस द फ्यूचर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है यानी जो एंटरप्राइज का मालिक होता है, वो एडवांस में ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लेता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड सारे डिसीजन एडवांस में ही ले लेता है कि भाई भविष्य में हमें इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ठीक है, ये पैसा हम यहाँ से लाएंगे, इस पैसे को अगर आ जाएगा तो उसको ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड हर एक फैसला पहले से ही लेके रख लेता है। सो इट इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ, अब इसमें किन किन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड, अपने को कितने पैसों की ज़रूरत है, ये पहले ही सोच के रखा जाता है ताकि एट ए टाइम हमें एकदम भगदौड़ी सी ना मच जाए। सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा आएगा कहाँ से, कहीं हमें पैसे की ज़रूरत है, हम ये सोचे आए कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, पहले ही सोच के रख लेते हैं भाई ये फलाना बंदा है जिससे हमें पैसा मिल जाएगा, या ये बैंक है जहाँ से हमें पैसा मिल जाएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी जो हमारे पास फंड्स यानी जो पैसे आएंगे उनको कहाँ यूज़ करना है, बेसिकली ये चीज़ भी पहले से ही सोच के रखी जाती है। आगे है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, भाई क्या फ़ायदे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के, हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला है इट एस्टिमेट्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड एंड अवॉइड वेस्टेज एंड ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन। भाई इसमें हम क्या करते हैं, हमें अमाउंट ऑफ फाइनेंस यानी कितने पैसे की ज़रूरत है ये पहले से ही सोच के रख लेते हैं, जिससे कि है पैसा वेस्ट नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा पैसा कहीं से लोन पे ले लेंगे तो वो बचा हुआ पैसा वेस्ट जाएगा, और कम पैसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को दिक्कत हो जाएगी। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कैपिटल ज़्यादा होना, ठीक है। कभी कभी हमें जैसे कि 10 लाख की ज़रूरत है तो हमने 12 लाख अरेंज कर लिए, तो 2 लाख जो अपने वो वेस्ट जाएंगे, है ना, वो इधर उधर कहीं लगेंगे, कहीं नहीं लगेंगे, या खाली पड़े रहेंगे, ठीक है, उनका ब्याज जोड़ देना पड़ेगा, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इट एनालाइज वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड डिसाइड्स हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स। अब भाई इसमें ये देखा जाता है कि अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी पैसा इक्विटी के थ्रू आएगा, डेट के थ्रू आएगा, किसी से कहीं से फैमिली से फ्रेंड से बोरो करना है, बैंक से लोन लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, शेयर्स इशू करना है, ये चीज़ को पूरा परखते हैं अच्छे से, और फिर देखते हैं भाई कौन सा ऐसा सोर्स है, कौन सी जगह से हम पैसा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंपेयर्स वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड चूज द बेस्ट वन विद हायर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसमें हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को कंपेयर करते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि पैसा कहाँ लगाना है भाई, कहाँ पे कौन से बिजनेस में लगाना है पैसा, इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, और फिर हम वो चूज़ करते हैं ऑप्शन जिसमें हमें लगता है कि अगर हम इस धंधे में पैसा लगाएंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इट एंटिसिपेट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन एडवांस सो दैट बिजनेस इज एबल टू डील विद फ्यूचर शॉक्स एंड सरप्राइजेस। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन एडवांस, एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले से अंदाज़ा लगा लेना, तो भविष्य में हमें किस चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है ये हम पहले से ही पता लगा लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें एकदम से शौक ना लगे कि 10-15 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, कहाँ से लेके आए अचानक। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारी ये 3 मशीनें हैं जो कि 10 लाख रुपए की हैं, ये 4-5 साल में बिल्कुल ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, तो उन 4-5 सालों में हम ऐसा पहले से ही करके रखेंगे कि ठीक 4 या 5 साल बाद अपने पास इतने 10-15 लाख रुपए पड़े हों, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंट। अब भाई फाइनेंशियल प्लानिंग में ये भी डिसाइड किया जाता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी जो पैसे हैं, हर एक डिपार्टमेंट के पे को किस किस को कितना कितना रुपया दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। इट एसेसेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स दैट इज़ लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। अब भाई ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो इस चीज़ की प्लानिंग भी हम करते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर एंटरप्राइज।
अब हमारे जो एंटरप्राइजेस में वर्किंग कैपिटल बनी रहे, वर्किंग कैपिटल से इधर मतलब है कि रोज़मर्रा के काम करने के लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत है वो पैसे बने रहे, इसका भी ये ध्यान रखता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इससे वीडियो ख़त्म।